युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट में एक बड़े ऑलराउंडर का दर्जा हासिल है। दरअसल वो युवराज सिंह ही थे जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में अपने शानदार ऑलराउंड खेल से टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। लेकिन अब युवराज ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया से उम्मीदें छोड़ दी हैं। दरअसल युवराज सिंह ने तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को एक चेतावनी भी दे दी है और साथ ही साथ टीम इंडिया की एक बड़ी कमजोरी भी बता दी है जो कि आगामी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बड़ी टेंशन रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रिकेट। दोस्तों हाइलाइट्स आपने देख लेंगे चैनल से, इसके बाद फुल वीडियो की जाने भी चलेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के मशहूर ऑलराउंडर युवराज सिंह, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है, उन्होंने अपनी ही टीम के बारे में कुछ ऐसा बोला है कि भारत में कोहराम आ चुका है। जी हाँ, दरअसल युवराज सिंह का कहना था कि 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से अगर भारतीय टीम को देखा जाए तो मुझे इन पर बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन अगर आप मुल्क और कौम के हवाले से पूछेंगे तो मैं लाजमी बोलूँगा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते। मजीद उनका क्या कहना था, भारतीय मीडिया की जबान ही सुनेंगे, मगर उससे पहले आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आगामी 5 अक्टूबर से हिंदुस्तान में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2023 को लेकर भले ही करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस मेजबान होने के नाते टीम इंडिया से एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीदें संजो रहे हों, लेकिन टीम इंडिया को 2007 और 2011 में अपने ऑलराउंड खेल से पहले टी20 वर्ल्ड कप और फिर वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने वाले युवराज सिंह को आगामी वर्ल्ड कप को लेकर इस बार टीम इंडिया से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह है टीम इंडिया की वो कमजोरी, जिसे लेकर युवराज सिंह ने अब रोहित शर्मा को दबे लफ्जों में एक बड़ी सलाह भी दे दी है। दरअसल युवराज सिंह ने कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को वनडे टीम के मिडिल ऑर्डर पर मेहनत करने की सलाह दी है। युवराज सिंह मानते हैं कि टीम इंडिया की ये कमजोर कड़ी वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों को भारत के खिलाफ बड़ा मौका दे देगी। युवराज सिंह ने कहा है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। मैं एक देशभक्त की तरह कह सकता हूं कि भारत जीतेगा, लेकिन मैं भारतीय टीम में खासतौर से मिडिल ऑर्डर में चोटों को लेकर काफी परेशानी देख रहा हूं। ये देखकर निराशा होती है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही है, लेकिन जो है सो है। मेरी राय में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर को थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है। नंबर 4 और नंबर 5 का स्लॉट बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर का बल्लेबाज तेज तर्रार रन बनाने वाला नहीं हो सकता, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दबाव को झेल सके।